हमें अगर केजरीवाल नहीं भी चाहिए ना तब भी वो आएगा, नहीं मजबूरी बन गया, इसका मतलब आप मजबूरी बता रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बताओ आप बताओ। 15 साल है कांग्रेस भी थी, 15 साल से बीजेपी को फेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और कांग्रेस लिस्ट में नहीं आ रही, प्रचार में नहीं आ रही, किसी में नहीं आ रही, दूसरा तीसरा ऑप्शन बचा गया मेरे पास, लेकिन मुझे वोट तो करना है, नेशन स्पिरिट तो होनी चाहिए ना, तो नेशन स्पिरिट के लिए क्या यूज़ करूँ, वोट तो करूँगा कम से कम मैं, तो आज के टाइम में वो नहीं है कि कौन गंदा है, कौन कम गंदा है, देखा ये जाएगा। मैं इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकता कि भाई उनके विधायक पकड़े जा रहे हैं, उनके ये करप्शन निकल के आ रहा है आम आदमी का, लेकिन किसका ज़्यादा और किसका कम ये चूज़ करना रह गया बस। भाई साहब इंडिया की पॉपुलेशन आप 130 करोड़ बताते हो, फ्रंट पे शायद 150 से क्रॉस कर चुकी है, कहाँ यूज़ होगी वो, किसी को दिखाई नहीं दे रहा मुद्दा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पॉपुलेशन जनसंख्या विस्फोट क्या चीज़ है, ये नहीं दिखाई दे रहा किसी को, सबको भीड़ दिखाई देती है, भीड़ को दो लाठी मारी जाती है, एक भैंस निकलती है सारी उसके पीछे निकल जाती है, ये है आजकल की डेमोक्रेसी, ये रह गई है। अच्छा एक सवाल मैं सभी से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये लास्ट टाइम पे लोग चुनावी जो पार्टियाँ हैं ये प्रचार करती हैं, जो लास्ट टाइम पे जी बड़े से बड़े स्टार प्रचारक निकाल देते, नाम सुने होंगे, बीजेपी जैसे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी उतार दिए दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में, तो क्या लगता है कि जो आम आदमी जो पहले से मन में बना लेता है कि हमें इसको वोट करना है, तो एट द टाइम पे जो चुनाव का टाइम पे ये स्टार प्रचारक आते हैं, इसे लोगों का मन बदलता है क्या? हाँ थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आता है ना इनका, अभी हेमा मालिनी जी आ जाए और वो अमित शाह जी आ जाएंगे तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा रियल टाइम फर्क पड़ेगा, और ये आएंगे भी आखिरी एक दो दिन में, आजकल का टाइम है इनका भी, तो ये उस वक्त आएंगे, इन्फ्लुएंस पड़ता है इनका, क्योंकि जो हम जो काम देख रहे हैं ना वो हम काम करते करते यूज टू हो गए, एक चीज़ की आदत पड़ गई, अब नया क्या है, नया तो रोज चाहिए, रोज आज नया हेमा मालिनी उतर जाएंगी 10-15% इफेक्ट वो भी डालेंगी, तो कोई बड़ा दूसरे स्टेट का मिनिस्टर आ जाएगा, भाई ये हमारी स्टेट में अच्छा करता है, साल काम ये करा होता, अगर इन्होंने जो सत्ता में पार्टी थी 15 साल काम करा था तो इन्हें हेमा मालिनी को उतारने की जरूरत नहीं थी, अमित शाह जी को उतारने की जरूरत नहीं, इलेक्शन थोड़ी है, योगी जी को उतारने की जरूरत नहीं थी, तुम काम करो पब्लिक आपके साथ चलेगी, आज का अगर यूथ ये मांगता है काम करना नहीं है फिर एंड मौके पर उतार के लिए आना है तो वो तो गलत पॉलिसी है। ये छोटा सा लाइव एग्जांपल देखो, पढ़े लिखो चाहिए नहीं, ये फुटपाथ कितना था और कितना कर दिया गया, नतीजा क्या है, वो रेडी नीचे उतार दी, उसके साथ सारी अनऑथराइज पार्किंग, रोड कहाँ गया, रोड कहाँ गया, ये एमसीडी का काम था भाई, इतना चौड़ा किया क्यों, वो दुकानें यहाँ आगे लाने के लिए, उनसे कन्वर्जन चार्ज ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, आप लीगलाइज क्यों नहीं कर देते करप्शन को, करप्शन को लीगल कर दो भाई साहब, पैसे दो इतनी दुकान आपकी हो गई, अथॉरिटी आपको दे देते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है मान रहे हैं, तो लीगल तो कर दो, चोरी तो ना करवाओ, चोरी के रास्ते मत बनवाओ, तो एमसीडी से ये चाहते हैं। एमसीडी में भाई साहब इस बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आ रही है, क्योंकि केजरीवाल क्यों आना चाहिए, अरविंद केजरीवाल इसलिए आना चाहिए कि 15 साल से बीजेपी ने करा ही क्या दिल्ली में, अगर इन्होंने कुछ करा होता तो आज पब्लिक इनके साथ होती, नया ऑप्शन ढूंढा ना पब्लिक ने, ये कर रही नहीं काम, आज का टाइम में पब्लिक को काम चाहिए, इनका जो हमारे इधर के पार्षद लावड़िया जी वो 15 साल से हमारे इलाके में झाके ही नहीं है, 5 साल पहले जीते थे 5 साल से इलाके में नहीं आए हमारे, उसका कारण क्या है, अब वो अपनी बीबी के साथ प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं, आप मुझे बताओ आप कहीं जाओगे या मैं भी कह जाऊँगा अपनी वाइफ को साथ लेके चलूँगा शादी में मैरिज में कहीं जाओगे, वो पार्षद ऐसा है राजेश लावड़िया, उसकी पब्लिक इतनी बुराई कर रही है, अपनी बीबी के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहा, लेकिन टिकट फिर सुनने को मिला है, टिकट पार्टी भाई पैसा पैसा चलता है, सब पैसा खुद के टिकट ले आए हैं, आप पैसे की बात करें बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी करोड़ों में पैसे देके टिकट दे रही है अपने कैंडिडेट को, हमारे करोड़बाग वार्ड में 3 वार्ड आते हैं पार्षद के, तीनों वार्ड में जो कार्यकर्ता था उन्हीं को टिकट मिली है, ये नहीं कोई पैसे वाली पार्टी को मिली, पैसे दिए हैं कार्यकर्ता लोग, पैसे दिए नहीं, कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे जमीनी लेवल से उठ गया उनको टिकट मिली है, कार्यकर्ता अगर पैसे देके दे तो दूसरे ऑप्शन आते, पैराशूट उम्मीदवार उतारती आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने वो उतारी जो हमारे साथ मिले 8 साल से उतर चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उन्हीं को कार्यकर्ताओं को टिकट दी है, इसलिए इस बार झाड़ू में दिल्ली में 200 सीटें पार करेगी आम आदमी पार्टी। आप कैसे देखते हैं भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा आप तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, खैर बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बताइए जी ये लोग जो कह रहे हैं कैसे देखते हैं, इनके नज़रिए से मैं जो देख रहा हूँ वो भी ठीक है, और बीजेपी के नज़रिए से देखूँ तो वो थोड़ा अप डाउन है, इसलिए क्योंकि बीजेपी जो है ना 15 साल जो है ना उन्होंने जो अपने लेवल पे जो काम करना चाहिए ना वो काम नहीं किया,
जैसे ही अब चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कोई भी पार्टी जीतती है, मेरा कहना है एक यही है कि चाहे पार्षद हो या MLA हो, वो अपने एरिया को एरिया में रहकर काम करे अच्छे से। जैसे हमारे MLA विशेष रवि है, उनके बारे में तो मैं भगवान टचवुड है, अगर उनको एक कॉल भी कर दिया जाए ना तो काम तुरंत होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ हमारा जो पार्षद बनेगा वो भी इस प्रकार काम करे, अदरवाइज किसी भी एरिया में चाहे रोहिणी हो चाहे कहीं भी हो, चाहे BJP भी जीतती है, उनका पार्षद ये काम करे ना तो ये जनता जितनी परेशान है ना वो परेशान नहीं होगी। अच्छा आप बता रहे हैं जनता परेशान है, ये जो बाइक रैली निकल रही है लोग बाइक पे झंडा लेके आ रहे हैं जी, तो क्या लगता है ये मतलब कि आप बाहर से लेके आए हैं, इसी वार्ड के हैं और मतलब कुछ पैसे वगैरह? नहीं, ये सारे कार्यकर्ता है, अपनी मर्जी से आए हैं, सब अपनी मर्जी से आए हैं, सब मेहनत करके आए हैं। ये तीनों वार्डों से आए हैं, 82, 83, 84। अब ये सारे मिलके जो जितने हम कार्यकर्ता है ना, हमारे में जज्बा है, सब अपनी अपनी बाइकें लेके आए हैं। किसी से किसी ने पैसे नहीं लिए कि तुम मेरे में पेट्रोल डलवा दो, कोई मतलब नहीं, सब अपनी मर्जी से। आज की डेट में ना अगर BJP डरती है ना तो खाली केजरीवाल को डरती है, मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा बोलता साफ है, इसलिए फंस जाता है, अकेला है, इसलिए सारे उसको पॉलिटिक्स का शिकार बना देते हैं। ऐसे नहीं ऐसा कर रहा है। अगर स्कैंडल की बात करें तो इनके स्कैंडल क्यों फंसे हुए हैं, उनकी उजागर क्यों नहीं करते हैं? अगर मान लो कोई भी काम होता है तो मनीष सिसोदिया को ले आते हैं, उसको ले आते हैं, तो मैं कहता हूँ अमित शाह को क्यों नहीं ला रहे सामने? और भी सारे ऐसे हैं जो लेवल के नेता हैं, जो इनके BJP के, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा नेता है जिसके ऊपर अगर आवाज़ उठाई गई और उसकी बात को दबा ना दिया जाओ? आज दिल्ली सरकार के लिए ये पूरा एक मौसम बना दिया इन्होंने, ऐसा दिमाग में डाल दिया है कि जिससे पब्लिक कहती है कि ये गलत धंधा है। देखो गलत अगर कहा जाए, देखो गलत को कहा जाए, सही कोई नहीं अच्छी डेट में, लेकिन क्या है कि जो कहते हैं ना जो राजा है अच्छी डेट में, वो कहता भैया मैं राजा हूँ, जो तुम्हें मेरा करना कर लो, पॉलिटिक्स चल रही है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं हो रहा है। पब्लिक वहीं की वहीं है बेचारी, और अपना रोटी कमाना मुश्किल हो गया उसके लिए, हर हाल में परेशानी है सबसे बड़ी। अच्छा लोग इसको कैसे देखते हैं, सत्येंद्र जैन जेल में है तो उनकी वीडियो वायरल हो रही है लगातार, देखो ऐसा होता है, ये पॉलिटिक्स ऐसी गेम है, एक दिमाग पे ना माहौल पैदा कर दिया जाता है, पब्लिक एक हवा है, जैसे बोला जय श्री राम तो सारे चल पड़े जय श्री राम, राम का नाम हम भी लेते हैं लेकिन रोटी मेहनत से ही कमाते हैं, और रोटी कौन देगा? देश की सरकार देगी, और महंगाई बढ़ा के तो सब तो रोटी मिलेगी नहीं किसी को, तो जनता को। मैं भी एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, मैं 2-2.5 साल खाली बैठा हूँ, मुझे मालूम है कितना क्रिएटिव कितनी परेशानी उठानी पड़ी आज की डेट में, मतलब रोजगार हाँ है ही नहीं कुछ। अब अगर मान लो मैं टीचिंग का काम करता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, जो मेरे को पे करने वाला है ठीक है, वो इनकम कहाँ से लाएगा? बिजनेसमैन है, उसकी इनकम घट गई है, वो अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं दे पा रहा है। मान लीजिए बहुत सारी सेक्टर्स ऐसे हैं, वो अंदर से जानता है भाई, कोट पैंट पहनने से ये नहीं है कि बंदा रॉयल बन गया, अंदर की उसकी अंदर से झांक के देखो वो बता सकता है कि अंदर उसकी क्या चोट लगी हुई है। रोजगार खत्म हो रहा है, रोजगार कहाँ है, कुछ भी नहीं है। अच्छा केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे 10 काम BJP के 10 वीडियो, कहते हैं कि जब ये वो काम नहीं कराते वो वीडियो रिलीज कर देते हैं। देखो ऐसा है, दोनों अपनी जगह पर सही है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि जनता को किस तरीके से फुसलाना है बस सीधी सी बात है। वो कहते हैं ना दादाजी टॉफी देते हैं पोते को 10-1 रुपए वाली, तो बच्चा खुश, पोता खुश हो जाता, कहते मेरे को दादा ने दिया है, तो वही वाला हिसाब है ना, पब्लिक को बेवकूफ बना रखा बस। काम कर, जो काम करेगा उसको तो जनता साथ देगी, जनता भी आके खुल गई है, पढ़े लिखे लोग भी अब काफी हो गए हैं, ऐसी बात काम नहीं करेगा उस जनता नहीं देख रही है। बिल्कुल नहीं। सर एक सेकंड, लास्ट सवाल, क्या लग रहा है ये रैली से इनका कुछ होगा या इस बार BJP 15 साल से जिस तरीके से है दोबारा से नहीं, काम के आप वालों ने ऐसी बात नहीं, काम के बल पर वोट मिलेगा उनको, मिलेगा BJP को, BJP आप वालों की बात है तो। अच्छा नहीं, 15 साल से सरकार में तो वही है ना, वो लोग हैं लेकिन उन्होंने काम कहाँ करा है? नहीं किया उन्होंने, तो बताओ केजरीवाल को दोषी मानते हैं कि हमारी तनख्वाह नहीं देता, ये वो नहीं देता, अब केजरीवाल जी को उसमें MCD में मौका मिलेगा, आपको पता चलेगा लोगों को। दिल्ली वाले देख रहे हैं मौका, मतलब बिल्कुल मौका है, अंदर ही वोट है, आपका जो वोट है अंदर है, क्योंकि
जो उनको फ्री की हुई जो चीज़ें उनके ऊपर गरीब लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, वो चीज़ इनको आगे फ़ायदा देगी। फ्री की बात तो, फ्री की बात तो मोदी भी दिए थे, उसका भी तो लोग तो मोदी वो चीज़ दिए हैं, लेकिन जो ये तो दिल्ली का वोट है ना, वो जो केजरीवाल का ऊपर बात है वो नेशनल ऊपर बात है, नेशनल एजेंडा अलग है, ये दिल्ली का एजेंडा है। तो इस पर जो लोगों की जो समस्या है उनका समाधान जो हो रहा है उसके ऊपर फ़ायदा काफ़ी मिलेगा। चलिए।